मेरी प्यारी माताओं को मेरा प्रणाम। मेरी तरह आप भी चाहते होंगे कि हमारा शिशु जन्म से ही तेजस्वी और ओजस्वी हो। हमारे बाल स्वरूप को महान बनाने के लिए हर माँ प्रयास करती है। आपके इस अथाग प्रयास और आपकी गर्भावस्था के प्यारी पलों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप भी अंतःकरण की प्रार्थना से अलौकिक चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ जुड़ के श्रेष्ठ संतान हेतु प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जरूर आपको मनचाही तेजस्वी ओजस्वी संतान देंगे। तेजस्विता के देव सूर्य नारायण है, शीतलता के देव चंद्र है। ये दोनों भगवान के बिना हम हमारे दिन रात की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कोई माँ सच्चे दिल से सूर्य देव को प्रार्थना करती है तो साक्षात दिखने वाले ये देव आपकी झोली में जरूर मन चाहा संतान देंगे। सूर्य देव को प्रार्थना कर उसे रोज जल चढ़ाकर विनंती करें कि हे सूर्य देव, आप तेज और ओज के प्रतीक हो। आपका तेज तो पूरी सृष्टि में व्याप है। मैं एक गर्भवती माँ हूँ, मेरे कुख में आपका ही तो तेज पल रहा है। मैं आपसे पूरे अंतःकरण से प्रार्थना करती हूँ कि हे जगत को प्रकाशित करने वाले देव, मेरा गर्भस्थ शिशु भी आप जैसा ही तेजस्वी और ओजस्वी हो। मेरे बाल स्वरूप में भी वो सारे गुण आए जो आप में हैं। हे सूर्य देवता, आप कोई भी नात पात जात का भेदभाव रखे बिना सबको प्रकाशित करते हो और आपका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाते हो। वैसे ही मेरा लाडला मेरी लाडली अपने अच्छे कार्यों से, नेक कार्यों से, अपनी महानता से, अपने सद्गुण रूपी प्रकाश पूरे विश्व में फैलाए। हे देव, आप सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य नहीं भूलते, हर पल हर क्षण अडग रहते हो। वैसे ही मेरी गुड़िया रानी आपकी तरह ही सुख हो या दुख, सफलता मिले या निष्फलता, हर स्थिति में समता में रहकर, निडर रहकर हर स्थिति और परिस्थिति का सामना बहुत ही साहस और पराक्रम के साथ करे, ऐसा आशीर्वाद देना मेरे नाथ। हे सूर्य नारायण देव, आपका तेज तो अनंत कालों से चलता आया है और चलेगा। आपकी महिमा अपरंपार है, आपके गुण को कौन भूल सकता है। हे देव, मेरे शिशु में भी इतनी शक्ति और तेज प्रस्थापित करो कि मेरा लाडला भी अपने नेक सच्चे कार्यों से अपना तेज पूरे विश्व में फैलाए और अनंत सदियों तक लोग उसके नेक कार्यों को याद करें, ऐसा महान बने मेरा लाडला। हे रवि, आप में माफी देने के अभिन्न गुण है जो आपको सबसे अलग रखता है। आपने तो महाशक्तिशाली हनुमान जी को भी माफ कर अपनी महान हृदय की विशालता दर्शाई थी। आप भी मेरे शिशु के हृदय में इतनी विशालता भरना प्रभु कि वो हर संबंध स्थिति परिस्थिति को माफ कर सके और बिना रुके अपने जीवन में आगे बढ़ता ही जाए। ये विनंती एक गर्भवती की अवश्य सुनना मेरे नाथ।